Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Papo Career Guide, a complete guide for all your career needs. तो फिर यहाँ पर जो है ये जो है TCS का biggest hiring again होने वाला फ्रेंड, अभी तक ये 6 time हो चुका है फ्रेंड, इससे पहले 5 time already हो चुका है. तो इस वीडियो में बताने वाला फ्रेंड एग्जाम डेट कैसे आपको अप्लाई करना होगा, फ्री NQT की पेड NQT सब कुछ आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना होगा. ओनली एग्जाम नो इंटरव्यू मस्ट वॉच एंड अप्लाई, कैसे आपको फ्रेंड यहाँ पर डायरेक्ट ऑफर देखने का मौका मिलने वाला है. तो चलिए फ्रेंड करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट. तो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड यहाँ पर जो है TCS काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट करने वाली है, जैसा कि TCS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था कि TCS जो अभी जो है 40,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिक्रूटमेंट करने वाली है फॉर द फाइनल 2023 में, और ये रिक्रूटमेंट और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, अप टू 80,000 लोगों यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट होने वाला है इन TCS. चलिए बता दो फ्रेंड आप TCS रिक्रूटमेंट कैसे करती है. वैसे कि TCS दो तरीके से रिक्रूटमेंट करती है, पहला आपका होता है पेड NQT जो आपको मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है फ्रेंड, दूसरा होता है आपका फ्री NQT जो ऑलरेडी यहाँ पर क्लोज हो चुका है, जो लोग ऑलरेडी आई थिंक अप्लाई कर चुके होंगे ITP एग्जाम के लिए और अभी जो है आप लोग जो एग्जाम लिंक का वेट कर रहे हो, तो ये आपका हो गया फ्री NQT. आप लोग फिर देखोगे तो जब TCS फ्री NQT कंडक्ट करवाती है तो आपका जो डोमेन होता है वो teacs.com/career/TCS के नाम से आपको देखने मिलता है, बट जो पेड NQT होता है वो आपको देखने को मिलता है. ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फ्रेंड टेस्ट डेट, आप ये आप लोग देखो फ्रेंड learning.tcsionhub.in, मतलब ये आप लोग देखो फ्रेंड दोनों डिफरेंट है, एक आपका पेड NQT एक आपका फ्री NQT, दोनों में डिफरेंस क्या है. जब ये फ्री NQT जो केवल TCS ही रिक्रूटमेंट करती है उस इस NQT के आधार पर, बट जब लर्निंग जब TCS हब होता है फ्रेंड यहाँ से आप लोग TCS के साथ साथ आप लोग मल्टीपल जो जो यहाँ पर कंपनी रिक्रूटमेंट करती है, जो कि आपको मैं इसी पर देखने को मिल रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पर जो काफ़ी सारी कंपनी यहाँ पर रिक्रूटमेंट करती है जो कि आपका TCS NQT स्कोर कार्ड को एक्नोलेज करती है, उसके आधार पर आपको जो है रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है. तो ये आपका हो गया पेड NQT, मतलब फ्री NQT से आप लोग TCS में जॉब ले सकते हो. जो पेड NQT होता है उससे आप लोग जो है TCS के में अगर नहीं लगा आप लोग को तो आप लोग जो है मल्टीपल कंपनी से भी आप लोग जो है जॉब अपॉर्चुनिटी लेने का चांसेस मिल जाता है आप लोग को. और फिर आपका फिर यहाँ पर पेड NQT ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, आपका टेस्ट होने वाला 10th जुलाई को ऑनवर्ड्स एंड एप्लीकेशन ओपन होने वाला 25th ऑफ जून. ओके, और यहाँ पर आपको इसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल होने वाला फिर आपको जुलाई में होने वाला October 22 में एप्लीकेशन और ओपन. ठीक है, और यहाँ पर आप लोग रजिस्टर करना है बाय NQT, अपडेट डिजिटल प्रोफाइल, टेक द टेस्ट, गेट द बेंचमार्क स्कोर विद अ वैलिडिटी ऑफ 2 ईयर्स, और आपको फिर अप्लाई फॉर कॉर्पोरेट जॉब एज पर द देयर एलिजिबिलिटी. 100K+ TCS सर्टिफाइड कैंडिडेट आर प्लेस इन TCS एंड दिस टॉप कॉर्पोरेट्स, आपको यहाँ पर मल्टीपल कंपनी भी देखने को मिल जाती है. तो बेसिकली आपको पेड NQT होने वाला है, और वेरियंट्स में आपको कौन कौन सा परचेस करना चाहिए, तो बेसिकली आप लोग इस सारे को स्किप करो, यहाँ पर कुछ भी नहीं जाना है. ठीक है, आप लोग परचेस क्या करें वो बताऊंगा मैं आपको. टीजर NQT जॉब प्लेसमेंट सम ऑफ द सक्सेस स्टोरी, जो प्लेस हो चुके हैं आप लोग मैसेज में देखने मिल रहा होगा. टीजर NQT इनसाइट्स, आपको यहाँ पर 90 लाख का सिटी से देखने मिलता है, 100K+ ऑफर है, 750+ कॉर्पोरेट्स है, 1.1 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सपेरेंट है, 50,000+ जॉब अपॉर्चुनिटी और 2,000+ कॉलेज यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो करती है. ठीक है, आप लोग बाकी सब लोग चेकआउट कर सकते हो. कैन अप्लाई UG PG एंड डिप्लोमा स्टूडेंट हु आर इन देयर प्री फाइनल ईयर एंड आर हैव पास्ड आउट, स्टूडेंट विद देयर विद एनी डिग्री एंड स्पेशलाइजेशन एंड डिसिप्लिन, फ्रेशर्स विद लेस देन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एलिजिबल टू अप्लाई. आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देखने मिलते हैं, अबाउट द टेस्ट आपको मैं इसके भी देखने मिल रहा हूँ फ्रेंड, ब्रांड दैट एक्नोलेज TCS NQT. ओके, व्हाई TCS NQT क्वालिफाइड टेस्ट आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, बाकी आप लोग यहाँ पर सब कुछ जो आपके सामने दिया हुआ है. ठीक है, आप यहाँ पर परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखो जैसा बता दो फिर अभी TCS का जो फ्री NQT तभी कभी कुछ दिन पहले ही जो है 20 मई को क्लोज हुआ है, तो अगर आप लोग जो है इंटरेस्टेड हो पेड NQT के लिए तो आप लोग इसमें जा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि TCS पेड NQT से भी लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, बट एज कम्पेयर टू फ्री NQT पेड NQT से काफ़ी कम लोग यहाँ पर रिक्रूटमेंट होते हैं, क्योंकि देखो पेड NQT में TCS ही नहीं, TCS के साथ और भी बहुत सारी कंपनी यहाँ पर रिक्रूटमेंट करती है, इसलिए यहाँ पर TCS काफ़ी कम रिक्रूटमेंट करती है एज कम्पेयर टू फ्री NQT. ठीक है, आप यहाँ पर फिर आप लोग अगर आप लोग BE BTEC ME MTEC से बिलोंग करें तो आपको जो फिर IT पे खरीदना चाहिए, अगर आप लोग जो फिर BPS BFS मतलब कि साइंस ग्रेजुएट हो आप लोग को ये परचेस करना चाहिए. मैं आप लोग को दोनों दिखाता हूँ फ्रेंड. ठीक है, आप लोग परचेस करने के फिर आप लोग देखोगे आपको अमाउंट लग रहा है 999 का. ठीक है, जो कि फिर आपको जो है केवल बाय नाउ करना है, आपको एक्टिवेट नाउ नहीं करना है. ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तभी आप लोग परचेस करना, थोड़ा सा छोड़ सकते हो, आप लोग फ्री NQT का वेट कर सकते हो. ठीक है, आप लोग यहाँ पर टेस्ट डेट वगैरह मेंशन किया गया, एप्लीकेशन ओपन, नेक्स्ट एग्जाम साइकिल मेंशन किया गया. ठीक है, यह हर 6 महीने 3 से 4 महीने के अंदर में आपका जो है TCS IONHUB पर पेड NQT वगैरह रिलीज होता रहता है. बाकी आप लोग कौन अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड अप्लाई करने के लिए तो आप लोग पेड NQT लेना, अगर आप लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से हो तो आप लोग ये परचेस करना है, दैट्स इट. अगर आप लोग साइंस ग्रेजुएट हो तो आप लोग BFS परचेस करना चाहिए, करियर गाइडेंस रेडीनेस पैक, और बाकी चेकआउट किया कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए. ठीक है, बाकी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग फ्री NQT का वेट करते हो, पेड NQT पे जाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ यहाँ पर पेड NQT से भी लोगों का रिक्रूटमेंट होता है. तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर करना, दोनों का लिंक दे दूंगा अप्लाई करने का वीडियो के,
और डिस्क्रिप्शन पे अप्लाई जरूर करें। मिलते हैं आपको इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।